नमस्कार, आज हम बनाएंगे दही बड़े। दही बड़े कभी भी किसी भी त्यौहार पर बनाए जाते हैं और गर्मी में तो ये खास तौर पर बनाए जाते हैं क्योंकि गर्मी में ये बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और फुले फुले दही बड़े बनाएंगे। उसके लिए लिए हमने 1 कप उड़द की दाल ली है। इसको हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और अच्छी तरह से भीग गई है ये। हमने इसका पानी निकाल के अलग कर दिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से भीग चुकी है ये। हमने इसका सारा पानी निकाल के अलग कर लिया है। अब हम इसको मिक्सर में डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए हमने ले लिए 2 छोटे टुकड़े अदरक के और 4 से 5 हरी मिर्ची। अब हम दाल को मिक्सर जार में डाल लेंगे। और इसमें डाल देंगे 2-4 हरी मिर्ची और 2 टुकड़े अदरक के। अब हम इसका बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने दाल को पीस लिया है बहुत ही कम पानी में और बहुत ही बारीक पीसा है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने सारी दाल को पीस के एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। एक चुटकी भर बेकिंग पाउडर जिससे दही बड़े बहुत अच्छे से फूलेंगे बड़े हमारे। अब हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। अब हमें इसे अच्छे से हाथ से फेंट लेंगे। एक ही तरफ को घुमाना है हमें इसे। हाथ की मदद से बहुत अच्छे से फेंट लेंगे इसके 4 से 5 मिनट तक। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये तैयार है नहीं है। हमने एक कटोरी में पानी लिया है और थोड़ा सा पेस्ट इस पर डालेंगे। ये देखिए पानी में तैर रहा है, मतलब हमारा बड़े बनाने के लिए बैटर तैयार है। हम इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा हींग। इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे बैटर में। चम्मच से थोड़ा सा और फेंट लेंगे इसे। ये देखिए एक ही तरफ को घुमा के फेंटना है हमें इसे। अभी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है बड़े बनाने के लिए। ये देखिए अब हमने कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए रखा है। चेक कर लेते हैं कि तेल गरम हो गया है नहीं। हमारा तेल गरम हो गया है हमारा। अब हम इसमें अपने बड़े फ्राई करने के लिए डाल देंगे। चम्मच से या हाथ से डाल सकते हैं आप इन्हें छोटे छोटे। फिर के हमें सारे बड़े ऐसे डाल देंगे जितने कढ़ाई में आते हैं। ये हमें ऐसे पलट लेंगे और अच्छे सुनहरा होने तक का भून लेंगे। ये देखिए हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम इसे निकाल लेंगे। हम एक बार फिर से बना के दिखाते हैं। ये देखिए जितने कढ़ाई मार सकते हैं हम वापस से डाल लेंगे। ये पलट लेंगे हम वापस उनको। हमने ले लिया है 1 बाउल में पानी और हमने जो बड़े बनाए थे अब हमें इसको पानी में डुबो देंगे।
हमने सारे बड़े पानी में डाल दिए हैं। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी में रख देंगे। सारे बड़े अच्छे से पानी में डूब गए हैं। अब हम लेंगे दही। ये हमारा अच्छा फ्रेश दही है, गाढ़ा दही है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी शक्कर। हमने आधी कटोरी शक्कर दही में मिला दी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिक्सर की मदद से दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया, देखिए बहुत बारीक। अब हमने बड़े रखे थे पानी में, ये भी अच्छे से फूट चुके हैं। अब हम बड़े को हाथ के बीच में रखे, दोनों हाथों की मदद से इसका सारा पानी निचोड़ेंगे। देखिए सारा पानी अब निकाल दिया है उसका। अब हम इसका दबाव रखेंगे। इसी तरह हम सारे पानी निकाल लेंगे। ये देखिए सारे बड़े पानी से निकाल दिए। हमने ये कर दिए और नीचे डाला एक बड़ा और हमने इसमें डाल दिया शक्कर में फेटा हुआ दही। खाने में